सब कचरा बनकर बैठा हुआ है। और साले इससे बोका कई मंत्री लोग है साले, जितना बारह बारह मंत्री बने शिक्षा मंत्री मारा जा रहा है किस तरह से। रिपोर्टर के साथ भी देखिए, रिपोर्टर के साथ भी गलत यहाँ व्यवहार किया गया है। दूर से ये पूरी तस्वीर रिपोर्टर के साथ देखिए, रिपोर्टर के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। रिपोर्टर के साथ जो लड़की है रिपोर्टर है उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है। और सीधे
कुआं है पीछे। अरे नहीं गड्ढा, कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी भी डाल दीजिए, जीते कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड्ढा नहीं। अरे मिट्टी भी जिंदे में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड्ढा नहीं, कोई गड्ढा। चलो आज सुनिए, आज भगत सिंह का डेथ एनिवर्सरी है और आज अगर हम लोग युवा डर के भाग जाएंगे तो भगत सिंह को मानना वो झूठा पग होगा कि सोशल मीडिया में भगत सिंह को नहीं मानता, रियल मानते हैं। ले जाया जा रहा है एडीएम साहब जयराम महतो को। क्रांतिकारी भगत सिंह की डेथ एनिवर्सरी है और हम लोग भगत सिंह को मानते हैं, बहुत सारे साथी लाठी के डर से पीछे चले गए, हम नहीं गए ना जाएंगे। हम लोग जयराम जी क्या बोल रहे हैं, हम लोग को फांसी दिया जाए, झारखंड के लिए नियोजन नीति बनाई, स्थान नीति बदले, हमें फांसी दे दीजिए। बोल तो ये दिया जा रहा, शाम में छोड़ दिया जाएगा, नहीं छूटना कहा है, तब लेके कहा जा रहे, टाइम का पास नहीं कर रहे। छोड़ो, आया छोड़ो, रखते चलो सुसा खबर। आंदोलन कर रहे हैं आपके साथ, क्या हो रहा है जयराम दा? मैंने अंग्रेजों का शासन याद आ रहा है, देखिए मैंने हम लोग के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, कुत्ता तुत्ता फाड़ दिया गया, बहुत सारे साथियों को लाठी मारा गया, और यहाँ शायद ड्यूटी पे मुख्य जैसा कि जानकारी थी, छात्रों के द्वारा जो 60-40 की नीति आई थी उसका विरोध, विधानसभा का घेराव, पुराने विधानसभा से नए विधानसभा तक मार्च रैली रखा गया था, लेटर आप लोग पढ़ सकते हैं, लेटर हमारे हाथ में है, 4-5 पन्नों का है, उसमें साफ लिखा है ये आंदोलन अहिंसात्मक होगा, संवैधानिक तौर पे होगा। और हम लोग धरना पर बैठे थे, एक जगह निश्चित जगह है जो विधानसभा से लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर है, यानी हमारे तौर से ना कोई एक ढेका पत्थर उठाया गया है, ना किसी प्रकार का ऐसा स्लोगन लगाया गया है जो असंवैधानिक हो, अमर्यादित हो। और इसी क्रम में हम लोग लगातार मीडिया बंधुओं के माध्यम से देश राज्य की जनता को संदेश दे रहे हैं कि 60-40 की जो नीति बनकर आई है वो हमारे राज्य के लिए अहितकारी है, इसी प्रकार हमारी नौकरियां बाहरियों को बेची जाएगी। बिल्कुल, प्रशासन ने स्वयं रास्ता दिया, 144 लागू है, फिर भी यहाँ के नहीं, 144 लागू है इसकी जानकारी अभी अचानक सूचना मिली है, और 144 का भी एक सीमा होता है, हम लोग ठीक है उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग हिरासत में लिया गया है, इनको रोका गया जगन्नाथपुर मंदिर में, बैरिकेडिंग तोड़ करके इन लोग आगे आ गए, नहीं प्रशासन ने रास्ता दिया है, एडीएम सर झूठ बोल रहे हैं, गलत बात है, विधानसभा के दीवार को फांद करके चढ़ने का कोशिश किए, इन लोगों को उस वहाँ से पीछे हटाया गया है, अभी फिर अनाउंस करके सबको बोला गया कि कूटे धरना स्थल पे जाके आप लोग अपना प्रदर्शन कीजिए, ये क्षेत्र 144 का है, फिलहाल जयराम जी को उसमें से अभी के लिए हिरासत में लिया गया है, विधि व्यवस्था संधारण के लिए इनका शाम को इनको छोड़ा जाए। अब अपना परिचय दो, अपना परिचय, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, नाम हो गया, धन्यवाद सर, अब आप लोग रहिए, बैठ जाइए आपका।